गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द AIS द गुरुकुल इन फोर क्लास। टुडे वी स्टडी हिंदी चैप्टर थ्री ईदगाह। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके जो लेसन पढ़ा था, शब्दार्थ किए थे और टिकअप किए थे, टिक द करेक्ट ऑप्शन किए थे, ठीक है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे जो आपके पेज नंबर दे रखे हैं 21 से स्टार्ट हैं, शब्दार्थ के नीचे से, ठीक है। अगर आपने इस लेसन के शब्दार्थ नहीं किए हैं तो आपके बुक में दे रखे हैं ये शब्दार्थ, आपको नोटबुक में करने हैं पेज नंबर 21 पे, ठीक है, 21 पे। ओके, नेक्स्ट देखिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है इसमें, गाँव में चहल पहल क्यों थी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रोज़ों के बाद ईद आने के कारण गाँव में चहल पहल थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सेकंड वाला दे रखा है, पीछे के पेपर पर आ जाइए, क्वेश्चन आपको बुक की सहायता से ही उतारने, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उतारे हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपको बुक की सहायता से ही उतारने हैं, ठीक है। अब 21 के बाद पेज नंबर 22 पर आ जाइए, जिस पे ख वाला क्वेश्चन दे रखा है, ऊपर देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, हामिद ने मेले के सभी आकर्षणों को ठुकराते हुए अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा, ठीक है, यानी जो भी खिलौने थे वो उसने नहीं खरीदे थे, अपनी दादी के लिए क्या खरीदा, चिमटा खरीदा था। इससे उसके कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, इसमें देखिए, इससे यह भाव प्रकट हो रहा है कि हमें हमेशा बड़ों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, हमें हमेशा बड़ों का ख्याल रखना चाहिए। उसका क्या भाव प्रकट होता है, उसका यही भाव प्रकट हो रहा है इससे कि हमें हमेशा बड़ों का ख्याल रखना चाहिए। सेकंड में यही लिखना है कि यह भाव प्रकट हो रहा है कि हमें हमेशा बड़ों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि हामिद ने खिलौने ना खरीद कर अपनी बूढ़ी दादी के लिए विशिष्ट तौर पर चिमटा खरीदा था, यानी हमें अपने बारे में ख्याल करते करते बड़ों का भी ख्याल रखना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपकी थर्ड, आमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया, थर्ड है, आमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया, आंसर क्या लिखा है इसका देखिए, हामिद द्वारा जब कहा गया कि रोटी बनाते समय तुम्हारी उंगलियां तवे से जलती है इसलिए मैं चिमटा लेकर आया हूँ, यह सुनकर आमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया, क्रोध यानी गुस्सा, स्नेह यानी प्यार, प्यार गुस्सा प्यार में बदल गया, ठीक है। ये हो गया आपके थर्ड वाला क्वेश्चन। इसके बाद आप देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आंसर पूरा होने के बाद आपके ये दे रखा है, पढ़ना सीखो, पढ़ना सीखो में फर्स्ट पे दे रखा है स्नेह, धांधली, बावर्ची खाना, कांस्टेबल, मोहसिन, बिस्ती, चिमटा, रेवड़ी, मजबूत और सेवैयाँ, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ, ये आपको बुक की सहायता से ऐसे कैसे लिखना है, फिर फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही लगाना है, ईद के दिन सबसे ज़्यादा कौन प्रश्न होते हैं, लड़कियां, बूढ़े या लड़के, लड़के जाते हैं ईदगाह तो क्यों, कौन होगा, लड़के, ठीक है। ख वाला क्वेश्चन वन लाइन का गैप कर देना, इसके बाद ख वाला क्वेश्चन उतारोगे, कौन बहुत गरीब है, तो हामिद की दादी, मोहसिन की माँ, नूर की अब्बा, तो क्या हो जाएगा, हामिद की दादी इसमें, तो इसके बाद ये ऐसे ही लिखना और ऐसे ही राइट करना, तीनों टिक द करेक्ट ऑप्शन में तीनों ऑप्शन लिखने हैं। आगे देखिए, हामिद ने मेले से क्या खरीदा, बंदूक, चिमटा या सिपाही, तो उसने चिमटा खरीदा था, तो चिमटा पे राइट हो जाएगा और तीनों ऑप्शन लिख के आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। टिकअप पूरे होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, फोर वाले पे, भिन्न सब पे गोला बनाओ, शैम सब में ये जो एक ही वर्ड है इनमें से आपको डिफरेंट वर्ड कौन सा नजर आ, देखिए राकेश व्यक्ति है, राजीव व्यक्ति है, आगे देखिए राजेंद्र व्यक्ति है, राधा क्या है, ये तीनों बॉयज हैं और राधा क्या है, एक लड़की है, तो राधा पे राउंड बन गया, क्योंकि भिन्न शब्द यानी एक तीन में से एक अलग शब्द पे हमें क्या बनाना है, सर्किल बनाना है, तो इस पे क्या हो गया, ऐसे राउंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खे वाले में दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, तीनों क्या है, वो हैं बड़े बड़े जो हैं राजे हैं, आगे आदमी व्यक्ति आ जाता है, ठीक है, तो इस पर राउंड हो गया। व्यक्ति, गाय, समान, पुस्तक, व्यक्ति, पुस्तक, समान एक ही मतलब आते हैं, और ये गाय क्या आ जाती है, एनिमल में आ जाती है, तो अलग।
आगे बकरी कलम स्कूल मीठा मीठा, मतलब कोई भी स्वीट वगैरह हम खाते हैं, स्कूल और कलम दोनों ही रिलेटेड हैं तीनों, बकरी अलग आ जाती है एनिमल में, तो इसी तरीके से स्प्राउंड, ये हो गए हमारे क्वेश्चन। आपको इसी तरीके से ये बुक में करना है और इसी तरीके से राउंड सर्किल करना है, फर्स्ट में राधा, सेकेंड में आदमी, थर्ड में गाय, फोर्थ में बकरी, और इसमें लड़के हामिद की दादी चिमटा, और ये तो क्वेश्चन आंसर बोर्ड पे कर रखे हैं, ठीक है। आगे देखिए फाइव वाला क्वेश्चन। फाइव वाला क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सबसे पहले उतारेंगे निम्नलिखित मुहावरों के ठीक अर्थ चुनो और बताओ, ठीक है। इस पर आप ऐसे कैसे उतार के, ऐसे फर्स्ट नंबर लगाएंगे फूला न समाना यानी बहुत प्रसन्न होना, सेकंड देखा कलेजे पर सांप लौटना यानी जलन होना, ठीक है, कलेजे पर सांप लौटना यानी जलन होना या मुसीबत आना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दावा बोलना यानी टूट पड़ना, किसी चीज़ पर दावा बोल देना यानी टूट पड़ जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पैरों में पंख लगना यानी चलना या दौड़कर, वो पैरों में पंख लगना यानी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ना, ठीक है, दौड़कर जाना। फाइव देर का बाल बांका ना करना यानी कुछ ना बिगाड़ सकना, ये हो गए आपके मुहावरे। इसका जो सेकंड भाग है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आपको एक बार फिर से क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है शब्दार्थ, शब्दार्थ आते हैं फर्स्ट मौखिक प्रश्न उत्तर में, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने लिखा है बोर्ड पर, लेकिन सेकेंड और थर्ड का ओनली फॉर आंसर लिखा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिख लेना है, सेकेंड क्वेश्चन में यह भाव प्रकट होता है कि हमें हमेशा बड़ों का ख्याल करना चाहिए। थर्ड में जब रोटी बनाते समय हामिद द्वारा जब ये कहा गया कि अम्मा के कहा गया कि रोटी बनाते समय तुम्हारी उंगलियां तवे से जलती है इसलिए मैं चिमटा लेकर आया हूँ, यह सुनकर आमिना का क्रोश नए में बदल गया, ठीक है, गया वाला आंसर। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर वाला, ये थर्ड वाला पढ़ना सीखो, ये आपको नहीं करना है। इसके बाद टिक द करेक्ट ऑप्शन करने, फोर वाला करना है, इसी तरीके से सर्किल बनाना है, मुहावरे करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, द्वितीय जो भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में आज आपने फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट ऑप्शन, मुहावरे और बिन सब पे राउंड करो, ये आपको नोटबुक में करना है। और अगर किसी के शब्दार्थ इनकम्प्लीट हैं तो उनको शब्दार्थ भी नोटबुक में करने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके द्वितीय भाग करेंगे, ओके।